अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल नैफटेक के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो चुके हैं। 3 डेज थे जिनमें हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने थे और आज लास्ट डेट था उन सेंटर्स के अंदर कि जहाँ पे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे कम है वो तो एक दिन के अंदर, कल जिस तरह हमारा सेंटर था वहाँ हमने कल ही वाइंड अप कर दिए थे। इसी के साथ साथ कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैंने इंटरव्यू डे के हवाले से थोड़ा सा गाइड किया था। तो जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड की मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आई हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस हैं जो वो मोस्टली पूछ रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे रिसीव हो रहा है जब नैफटेक के एडमिशंस कंटिन्यू हुए थे। काफ़ी 1 से 1.5 माह का ये प्रोसीजर था जिसमें एडवर्टाइजमेंट थी, प्रमोशंस थी सोशल मीडियाज के ऊपर, जहां से आपने देखते हुए पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो इसका आंसर बेसिकली ये है कि आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहें और थोड़ा सा अवेयर रहा करें सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी टाइम होता है आपके पास, आपके जो दोस्त यार हैं, आपका हल्का अहबाब है, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, तो वो किसी ना किसी ने वो पोस्ट लाजमी देखी होती है। तो अगर आप शेयर वो किसी के साथ शेयर करें या आप किसी के साथ शेयर करें तो लोगों को आइडिया हो जाता है। तो अब आप थोड़ा ध्यान रखें और नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बैच 5। दूसरी क्यूरीज मेरे पास मोस्टली ये आ रही है कि हमें मैसेजेस नहीं पहुंचे, हमने अप्लाई किया था, हमें मैसेजेस रिसीव नहीं हुए या हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो मैसेजेस डेफिनेटली आपको सेंड किए गए हैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स के ऊपर जो आपने अपने फॉर्म के ऊपर लिखे थे। अब नंबर आपने करेक्ट लिखा था ये आप लोगों ने खुद देखना है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को मैसेजेस पहुंच जाते हैं जिनको मैसेज रिसीव नहीं होते, वो भी उनकी अपनी कोई रीजंस होती हैं कि उनको मैसेज क्यों नहीं हुआ, उनका नंबर एक्टिव है या नहीं है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इन केस अगर हम शॉर्टलिस्ट होने के बाद सिलेक्ट नहीं होते तो हमारा क्या बनेगा। मैं क्लियर कर दूं आपको कि आपका वेटिंग लिस्ट के ऊपर नाम रहेगा और जब अभी बैच 4 है, 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद बैच 5 के एडमिशन्स होने हैं, तो उसके लिए आपकी वेटिंग लिस्ट में जो एप्लीकेशंस है वो रहेंगी, जो न्यू कमर्स होंगे वो आपसे नीचे होंगे। तो उसके बाद मेरिट बनेगा दोबारा, न्यू कमर्स ऊपर आ जाते हैं या आप लोग आते हैं, उसकी बेस पे फिर नेक्स्ट एडमिशन्स होंगे। तो आपको अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे जो मुझे रिसीव हो रहे थे, मैंने इनका आंसर किया है। नेक्स्ट आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो राइट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।